हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग फ़ोन है तो सैमसंग फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क है तो वाईफाई नेटवर्क को आप कैसे पेयर कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क है तो वाईफाई नेटवर्क को आप कैसे पेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा वाईफाई पे। देख सकते हैं, सबसे पहले कनेक्शन सेटिंग पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही कनेक्शन सेटिंग ओपन हो जाएगी, फिर आपको वाईफाई पे क्लिक करना है। तो वाईफाई सेटिंग भी ओपन हो गई है। तो इसमें जो भी नेटवर्क आ रहा होगा वाईफाई का जिसको हम पेयर करना चाहते हैं, सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे, पासवर्ड डाल के अपने फ़ोन में पेयर कर लेंगे। इस तरीके से जो पासवर्ड चेक करते हैं हमने इसको पेयर कर लिया है। पेयर करते आप इसमें इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से आप वाईफाई नेटवर्क को पेयर कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। और थैंक यू।